नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चौबे। कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 2 महीने पहले हुए शराब व्यवसायी से लूटपाट कांड का मैनपुरी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मैनपुरी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शराब व्यवसायी के सगे भतीजे ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया था। देखिए हमारे संवाददाता सत्यन तिवारी की ये रिपोर्ट। 7 मार्च 2019 को कोतवाली क्षेत्र में शराब व्यवसायी तेजवीर सिंह निवासी ककररा से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 1,74,600 रुपए की लूट का पुलिस व स्वाट टीम ने खुलासा करते हुए शराब व्यवसायी के सगे भतीजे सहित 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि विवेचना के दौरान शराब व्यवसायी ने कुल 2,71,000 रुपए व मोबाइल लूट की होने बात बताई थी। शेष रकम उनके पास रखे होने की बात कही थी। पकड़े गए चारों आरोपी के पास से लूट का सैमसंग मोबाइल, लूटी हुई नकदी में 8,501 रुपए, लूट की घटना में 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचे, में 4 कारतूस, 315 बोर बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाशों के नाम संदीप यादव निवासी नगला लेखराज थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद, मुन्ना उर्फ मुनेश यादव निवासी नगला लेखराज थाना सिरसागंज फिरोजाबाद, विनय कुमार यादव निवासी नगला लेखराज लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, करीब 2.25 लाख की लूट किरतपुर किराए के पास हुई थी थाना कोतवाली अंतर्गत। जब हमारी स्वाट टीम बहुत इसको गंभीरता से लेते हुए और एसओजी टीम उसमें लगी तो पूरी निकल के कहानी आई कि टोटल जो 2.25 लाख लूट बताई गई थी मात्र लगभग 12,000 की लूट थी और वादी के पास सारा पैसा रह गया था। और सबसे जो आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वादी का स्वयं का भतीजा जो घटना के दिन उस वादी के साथ था, उसी ने इस लूट को अंजाम कराया था। आज उस भतीजे के समेत कुछ 4 लोग गिरफ्तार हुए, उनके पास कुछ असलहे मिले हुए हैं और 8,500 रुपये भी करीब हमने बरामद कर लिया, 11,000 में बरामद हो गया है और लूट का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। एक अभियुक्त की भी तलाश हम कर रहे हैं, इसी गिरफ्तारी से कोई किसी और बैंक से संबंधित नहीं। ये बिल्कुल एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी इस और हम तहकीकात करेंगे, इसमें एक आध या कुछ आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन ये मात्र जो भतीजे की कराई हुई बुरी करतूत थी, अपने चाचा से पैसा उमेटने का लेट लेने का तरीका था, ये उसने अपने साथियों के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया।